हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि हम अपनी किसी भी हार्ड डिस्क को, लैपटॉप हार्ड डिस्क को कैसे अपने यूएसबी पोर्ट के थ्रू एक्सेस कर सकते हैं। एक केबल आती है यूएसबी टू साटा। अगर आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी तो पता होगा आपको कि मैंने अपने लैपटॉप को एसएसडी से अपग्रेड करा है। अब एसएसडी से मैंने अपग्रेड करा है तो अपनी हार्ड डिस्क को तो मैं फेंकूंगा नहीं, और मैं 1000-1500 रुपये लगा के अपने लैपटॉप में हार्ड डिस्क और एसएसडी दोनों भी नहीं लगाऊंगा। मैंने क्या करा, मैंने 400 रुपये की केबल मंगाई है ऑफलाइन मार्केट में, इससे भी सस्ती मिलती होगी। ये अभी मैं वही केबल खोल रहा हूँ। देखो ये केबल कैसी है, एक साइड से ये साटा है, दूसरी साइड से ये यूएसबी है। इसको मैं अपने हार्ड डिस्क में लगा के अपने कंप्यूटर में यूज़ कर सकता हूँ। अब देखो हुआ क्या था, ये वीडियो बनाते हुए एक अच्छी खासी दिक्कत आ गई थी, जिसके लिए मेरे को लगभग 2-2.5 घंटे वेट करना पड़ा था, और ये वीडियो उसके बाद बनी थी। बाकी की बताता हूँ आगे क्या दिक्कत आई थी। देखो इसको मैंने मुँह से खोला, मैं कैंची लेके नहीं बैठा था उस टाइम। ये मैंने अपनी केबल निकाली और देखो इस तरीके का होता है ये। इस साइड से साटा होती है, इस पर 2 पिन निकल रही होती हैं, एक साटा वाली होती है, एक पावर टाइप की होती है, ठीक है। दूसरी साइड से देखो ये यूएसबी होता है। इसमें मतलब अडेप्टर लगाने के लिए भी दे रखा है, मेरे ख्याल से वो 3.5 इंचेस हार्ड डिस्क के लिए, पर अभी तो हम 2.5 लगा के ही देखते हैं। आगे आने वाली वीडियोस में देखते हैं इसको 3.5 में कैसे कनेक्ट करते हैं। ये मेरी एसएसडी का बॉक्स है, इसके अंदर मेरी हार्ड डिस्क पड़ी है। ये मैंने हार्ड डिस्क निकाल ली अपनी और अब इसको ऐसे कनेक्ट करते हैं। इसके अंदर देखो मैंने बड़े प्यार से इसको लगाया, क्योंकि हार्ड डिस्क भी नाजुक चीज़ है और ये कनेक्टर भी नाजुक चीज़ है। 400 रुपये का मंगाया है, नाजुक ही होगा, वरना ओरिजिनल तो मतलब जो थोड़े से अच्छे होते हैं वो तो 700-800 रुपये के आते हैं। ऑफलाइन मार्केट में सस्ता मिल जाएगा मुझे पूरी उम्मीद है, पर लॉकडाउन की वजह से मेरे को मंगाना पड़ा। देखो अब इसको मैंने अपने लैपटॉप में कनेक्ट करा, पर अब क्या हुआ, ये लैपटॉप में कहीं पे शो ही नहीं हो रही। मुझे समझ ही नहीं आया, मैं जो वीडियो बना रहा था, वीडियो बनाते बनाते मैं अब क्या करूँ, स्क्रीन क्या दिखाऊँ, क्योंकि शो ही नहीं हो रही है। मैंने अपना डिस्क पीसी खोला, उसके अंदर ये कहीं भी शो नहीं हो रही है। मैंने अपना कंप्यूटर मैनेजमेंट जो होता है वो जाके खोला, उसके अंदर देखा तो मेरी डिस्क के ऊपर क्रॉस बना हुआ आ रहा था, वहाँ पे शो कर रहा था कि डायनेमिक डिस्क है और क्रॉस है। देखो नेक्स्ट वीडियो में। हाँ तो देखो ये मेरी हार्ड डिस्क है, इसमें डिस्क मैनेजमेंट में मैं गया और यहाँ देखो ये मेरी डिस्क 1 डायनेमिक और क्रॉस बना हुआ है। इसको अगर मैं बेसिक पे कन्वर्ट करता हूँ तो बेसिक पे कन्वर्ट करने के बाद ये कह रहा है कि आपका जितना भी डेटा है वो लॉस हो जाएगा, 500 GB डेटा मेरा ख़राब हो जाएगा। मुझे ये डेटा बचाने के लिए काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी, मैंने डेटा रिकवर नहीं करा, इसको बेसिक में ही कन्वर्ट करा है मैंने। कैसे करा है अगर ये जानना चाहते हो तो मेरे को बताना, इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, या जो लोग ये वीडियो काफ़ी टाइम बाद देखेंगे वो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, आप लोग उससे मेरे को कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हो, ठीक है। अभी देखो मैंने हार्ड डिस्क कनेक्ट करी और डिस्क पीसी खोला मैंने, उसके अंदर देखना मेरी सारी ड्राइव्स दिखा देगा। एसएसडी में मैंने सिर्फ 2 ड्राइव बनाई है, 160 GB की सी ड्राइव है और लगभग 60-63 GB की ई ड्राइव है, ई ड्राइव है डी ड्राइव। और उसके अलावा देखो ये जितने भी पार्टीशन दिख रहे हैं ना, ये भरे भरे, ये सारी मेरी एक्सटर्नल हार्ड डिस्क है।